हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये एक फार्म के ट्यूटोरियल वीडियो है। तो गाइस, इसमें हम बनाने वाले हैं एक आयन फार्म। तो गाइस, वो बिल्कुल सिंपल आयन फार्म है और गाइस वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, मतलब बहुत अच्छा वर्क करता है वो। तो चलिए हम उसको बनाते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ तो गाइस, हमें पहले एक 5x5 का एक प्लेटफॉर्म बनाना है। तो हम यहाँ बना लेते हैं पहले 5x5 का एक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से गाइस मुझे 5 ब्लॉक लेने हैं। ये 5 ब्लॉक हो गए। अब गाइस मुझे यहाँ से 4 ब्लॉक लेने हैं और इसे पूरा फिल कर देना है। और अब गाइस मुझे 2 चेस्ट चाहिए। तो चेस्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये चेस्ट आ जाएगी मेरे पास। और हॉपर भी चाहिए मुझे, तो मैं हॉपर भी ले लेता हूँ। तो हॉपर ये रहा गाइस। गाइस इसमें पेक लगा हुआ है, तो ये आपको हॉपर थोड़ा अजीब दिख रहा होगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर रखते हैं। अब मैंने शायद से गलत रख दिया एक। तो गाइस मैं इसे और बड़ा कर लूँगा अभी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी और जगह चाहिए। तो मैं इसको 5x6 का बना लेता हूँ अभी। तो और गाइस मुझे होपर लगाने हैं, तो इसके पीछे मुझे गाइस 4 होपर लगाने हैं। तो मैं 4 होपर लगा देता हूँ। 2 उससे कनेक्ट रहेंगे, बाकी 2 इससे रहेंगे। और अब मुझे इसके तरफ एक बाउंड्री वॉल खड़ी करनी है। तो मैं इधर भी एक खड़ी कर देता हूँ और पीछे से भी गाइस एक आएगी। और इसे हम 3 हाई करेंगे, मतलब 3 ब्लॉक की हाई रखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें आयन गोलम आके मरेगा। तो गाइस हम इसको इतना कर दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे गाइस सामने ग्लास लगाऊंगा, जिससे कि चेस्ट ओपन हो सके। क्योंकि मैं स्टोन लगा दूंगा तो वो ग्लास ओपन ही होगा। तो इतना करने के बाद गाइस मैं इसको यहाँ से सब पैक कर देता हूँ। तो गाइस अब हमें यहाँ से 7 ब्लॉक जाना है पीछे। तो यहाँ से 7 ब्लॉक इधर जाना है मुझे। तो पहले मैं काउंट कर लेता हूँ 1। तो गाइस ये 7 ब्लॉक हो चुके हैं। और गाइस अब मुझे 7 ब्लॉक इधर भी जाना है। और गाइस मुझे 7 ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाना है, मतलब चारों साइड 7-7 ब्लॉक जाने हैं। तो हम चलते हैं। और अब मुझे गाइस इसको पूरा फिल कर देना है। फिल कैसे करना है आपको बता देता हूँ। तो मुझे इसको ऐसा पूरा फिल कर देना है, यहाँ तक के इसको पूरा ऐसा फिल कर देना है। 1 hour later। हाँ तो गाइस मैंने इसे 7x7 का पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया हूँ और इसे गाइस कवर भी कर दिया हूँ। और अब मुझे क्या करना है गाइस, मुझे यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लॉक रखना है ऐसे। तो यहाँ पे मैं टेम्परेरी ब्लॉक रखूँगा और उसके बाद गाइस मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दूँगा। और नीचे वाले ब्लॉक को गाइस कोई ज़रूरत नहीं है, तोड़ देंगे हम। और इसको 4 साइड से गाइस कवर कर देना है बस। अब ऐसे ही करना है गाइस, 4 साइड से इसको पूरा कवर करना है। तो मैं इसे कवर कर देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो गाइस इसके ऊपर मुझे एक लेयर रोल लगानी है, तो मैं इसके ऊपर एक लेयर रोल लगा देता हूँ। गाइस ये हो चुका है। और गाइस हमें इसके कोने कोने पर हमें इसको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ब्लॉक, यहाँ पर एक ब्लॉक। तो गाइस हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये 2 ब्लॉक मैंने ज़्यादा डाल दिया। तो गाइस ये ऐसा भी रहेगा तो चलेगा। तो हमें ऐसा हर चार तरफ करना है, मतलब 3-3 ब्लॉक रखेंगे हम यहाँ पे। A few inches later। हाँ तो गाइस हमें 3-3 ब्लॉक रख दिया है यहाँ पे। और अब हमें गाइस इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जिसपे हम बेड रख सकें। तो पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री टाइप की बना लेता हूँ। तो गाइस इसी के ऊपर हमारे पूरे बेड आने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें उसको कितने हाइट पे रखना है। तो 1-2। तो गाइस ये 3 की हाइट में हो चुके हैं, क्योंकि एक लेयर में नीचे लगा दिया हूँ। मुझे यहाँ पे इसको नहीं लगाना था, मेरे को यहाँ लगाना है। तो गाइस ये हो चुका है। अब मुझे इसके ऊपर गाइस इसको इतना बड़ा करना है कि इसके ऊपर 21 बेड आ सके। तो हाँ तो गाइस ये हो चुका है। और अब गाइस हमें इसके ऊपर रखने हैं बेड। तो मैं यहाँ से बेड ले लेता हूँ। तो बेड को गाइस हम किसी भी डायरेक्शन से रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी डायरेक्शन से रखना है जिस डायरेक्शन से मैं रख रहा हूँ। हाँ तो गाइस ये 21 बेड हो चुके हैं यहाँ पर। और अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इनको यहाँ से तोड़ देना है। और मैं गाइस अभी नीचे के ब्लॉक को ही तोड़ूँगा, जब तक मैं यहाँ पर ब्लेजर नहीं ले आता। तो गाइस आप यहाँ पर
दो विलेजर को ला सकते हैं और उसके बाद उनकी ब्रीडिंग करके उनको बढ़ा सकते हैं। तो गाइस मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप दो ही विलेजर लेके आए। और विलेजर को लाने के लिए गाइस कुछ नहीं, यहाँ पे एक स्टे टाइप की बना लेना है ऐसे। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ पहले। तो स्टे टाइप की बना लेना है गाइस, तो हम उसमें आसानी से विलेजर को लेके आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ बना लेना है जिसमें गाइस हम रेल की पटरी द्वारा लेके आ सकते हैं। मैं आपको एक ला के दिखाता हूँ पहले। तो सपोज़ यहाँ पे गाइस विलेजर है, तो हम यहाँ से पूरी एक रेल की पटरी बिछाएंगे और उसमें गाइस हम उसको बिठा के ले जा लेंगे। तो मैं आपको पहले वहाँ का गाइस मैं बना तो लूँ, मुझे उसे कवर करना पड़ेगा चारों साइड से। तो यहाँ के लिए भी मुझे अभी बनाना है, तो पहले मैं इसे कवर कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ग्लास मैं ले लेता हूँ यहाँ से पहले। तो ग्लास मैं गाइस यहाँ ले लेता हूँ अभी। और सबसे पहले गाइस मुझे बेड के ऊपर क्राउच होकर यहाँ पे ग्लास लगाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये ऐसे नहीं लगेंगे ग्लास। तो अब मैं यहाँ पे ग्लास लगा सकता हूँ पूरे में। और गाइस हमें विलेजरों को सोने नहीं देना है, इसलिए हमें बेड के ऊपर ही ग्लास लगाने हैं। और अगर हम एक ब्लॉक और छोड़ के ग्लास लगाएंगे तो गाइस ये आयरन फार्म वर्क नहीं करेगा अच्छा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें आयरन फार्म को वर्क करने के लिए बेड के जस्ट ऊपर ही ग्लास लगाने हैं। और गाइस हमें यहाँ पर चाहिए 20 वर्किंग स्टेशन विलेजरों के। तो मैं यहाँ से गाइस कार्टोग्राफर टेबल ले लेता हूँ। कार्टोग्राफर टेबल तो ये फ्लेचर भी ले लेते हैं गाइस हम यहाँ से, और कार्टोग्राफर भी ले लेते हैं। तो आई थिंक इतने में हो जाएगा। तो अब गाइस मुझे यहाँ पे लगाने हैं 20 टोटल मिला के, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। हमें इसे कोने में लगाना है, तो 5 गाइस इस साइड लग जाएंगे और बाकी के 5 हम इस साइड लगा देते हैं। तो गाइस ये 10 हो चुके हैं, और 10 में गाइस फ्लेचर बनाऊंगा। तो मैं 10 फ्लेचर बना देता हूँ। इधर 4 लग गए, इधर भी 4 लग गए, ये 8 हो गए गाइस। और अब गाइस हमें क्राउच होके इसके ऊपर लगाने हैं 2-2, तो ये पूरे हो जाएंगे। ज़्यादा हो गए आई थिंक ये, हाँ तो मुझे एक तोड़ देना है। तो गाइस ये हो चुके हैं पूरे 20 वर्किंग स्टेशन। और गाइस अब मुझे इसे ग्लास से पूरा कवर कर देना है, तो मैं ग्लास से इसे कवर कर देता हूँ पहले। तो गाइस ये हो चुका है कवर, और अब गाइस इससे कोई भी विलेजर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो मैं इसे एक और हाइट में कर देता हूँ कि इससे विलेजर बाहर ना जा पाए। तो मैं इसे पूरे तरीके से कवर कर देता हूँ। हाँ तो गाइस इतना होने के बाद गाइस हमें इसके ऊपर एक रूफ बना देनी है, क्योंकि गाइस अगर ठंडा स्टॉर्म होगा, जैसे रेन हुई ठंडा स्टॉर्म हुआ, तो गाइस जो पूरे विलेजर हैं वो पूरे विलेजर जो हैं गाइस बीच में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गाइस हमें विलेजर चाहिए ना कि विच चाहिए। तो मैं इसे कवर कर देता हूँ। अभी तो गाइस मैं इतना खोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम विलेजर को लेके आएंगे अभी। तो गाइस अब मुझे यहाँ से एक स्टेयर बनानी है पूरी ऊपर तक के, तो मैं स्टेयर बना लेता हूँ पहले। A few inches later. हाँ तो गाइस ये आ चुका है, और मैं यहाँ पे गाइस अब रेल की पटरी लगा देता हूँ, जिससे कि गाइस विलेजर को मैं बिठाल के लेके आ सकूँ। तो गाइस हमें इसमें कुछ पावर रेल भी लगेंगी, क्योंकि पावर रेल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जगह जगह पावर रेल लगानी पड़ेगी। तो पहले मैं यहाँ से लगा देता हूँ, मैं एक यहाँ पर लगाता हूँ। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो मैं इसमें रेडस्टोन टॉर्च लगा देता हूँ एक। तो गाइस मैं एक में लगाऊंगा तो पूरी एक्टिवेट हो जाएगी, इसलिए मैंने इतनी सारी लगा दिया वहाँ पे।
कि जिससे स्पीड भी रहेगी और वो जल्दी से जा भी सकेगी। तो अब मुझे यहाँ पे वही करना है, पहले यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके ऊपर एक टॉर्च रख देता हूँ और यहाँ से गाइज मैं इसको ऊपर तक कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये कनेक्ट हो गई है और गाइज अब मैं यहाँ से पूरी रेल की पटरी बिछा देता हूँ, ये वाली बीच में एक दो जगह छोड़ देता हूँ गाइज, जिससे स्पीड में जाएगी वो, नहीं तो वो बहुत स्लो जाएगी। तो एक मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी लगानी है मुझे। तो गाइज ये हो चुकी है। अब गाइज हमें एक चाहिए माइनकार्ट, तो पहले हम माइनकार्ट ले लेते हैं। और गाइज हमें विलेजर तो किसी विलेज से लेके आ जाने हैं, तो अभी मेरे पास विलेजर नहीं है, तो मैं विलेजरों का एक ले लेता हूँ जिससे विलेजर को स्पॉन कर सकूँ मैं। तो गाइज हमें छोटे विलेजर की ज़रूरत नहीं है, तो हमें छोटे विलेजर को मार देना है। तो गाइज ये विलेजर आ गया है, अब मेरे को इसको माइनकार्ट में बिठाना है। तो यहाँ पे कोई है क्या? अच्छा हाँ, ड्राउडेंट है, तो यहाँ पे लोगों ने उसको मार दिया। तो इस विलेजर को बिठाने के लिए गाइज पहले मुझे यहाँ पे एक रेल की पटरी रख देता हूँ मैं, और उसके ऊपर गाइज मैं इसको बिठा देता हूँ। बैठ जा। तो गाइज ये बैठ चुका है, देखिए पहले मैं वेदर को क्लियर कर देता हूँ जाके। See next morning. तो मैं यहाँ से एक रेल बना लेता हूँ गाइज। तो अब मुझे कुछ नहीं, यहाँ पे भी एक रेल लगा देनी है ऐसे करके, और बाकी मुझे गाइज नॉर्मल। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अब ये इजीली ऊपर चल जाएगा। तो गाइज ये यहाँ पे आके रुक गया क्योंकि हमारी पटरी यहीं तक थी। अब मुझे इसको गाइज धीरे से धक्का देना है कि ये उसट जाए। तो गाइज कुछ ऐसे विलेजर को हमें लेके आना है यहाँ पे। गाइज हम दो विलेजर को भी लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा काम। अब तो मैं यहीं पे गाइज विलेजर को स्पॉन कर लेता हूँ, और गाइज इसने अपना वर्किंग भी ले लिया, तो मैं यहाँ पे विलेजर स्पॉन कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मुझे 20 विलेजर स्पॉन करने हैं, तो मैं कर देता हूँ। तो गाइज हमें इस विलेजर को यहाँ पे नहीं रखना है जो हरे कपड़े पहनता है, तो गाइज इससे हमारा आयरन फार्म वर्क नहीं करेगा। तो पहले मैं इसे मार देता हूँ, फिर हम बाकी के विलेजर को स्पॉन करेंगे। 11 विलेजर हो चुके हैं, इसको लेके 12 थे। A few moments later. तो गाइज ये 20 विलेजर हो चुके हैं, और अब मुझे इसे पूरा ऊपर से कवर कर देना है कि यहाँ पे थंडर स्टॉर्म में भी कुछ ना हो। और गाइज अब मुझे पूरी रेल की पट्टी तोड़ देनी है क्योंकि इसके कोई ज़रूरत नहीं है अब। और अभी गाइज हमें नीचे वाटर भी लगानी है, तो पहले हम नीचे का काम करते हैं। गाइज आयरन गोलम स्पॉन होना भी स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पे, देखिए। तो अब मुझे पहले नीचे का वर्क करना है, स्टार्ट करना है। तो गाइज ये फार्म इतना तेज स्पीड में काम करता है कि गाइज बहुत जल्दी जल्दी आयरन गोलम स्पॉन होते हैं इसमें। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको यहाँ से कवर कर, पहले गाइज मुझे यहाँ पे लावा डालना पड़ेगा। तो लावा के लिए मुझे पहले बैनर चाहिए, बैनर नहीं उसे क्या बोलते हैं गाइज, मुझे याद तो नहीं है उसे क्या बोलते हैं, तो मैं इसको देख लेता हूँ यहीं पर होगा। हाँ, तो गाइज ये है साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड चाहिए हमें पहले। गाइज हमें कितने 4 साइन बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं 4 साइन बोर्ड यहाँ पर लगा देता हूँ पहले तो। और हमें इसमें गाइज कुछ नहीं लिखना है, ये ऐसे ही खाली भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ से मुझे इसे ग्लास से कवर कर देना है।
जिससे आयन गोलम और केट गाइस बाहर नहीं आएंगी। तो यहाँ पे भी रख देता हूँ मैं साथ में, यहाँ पे भी रख देता हूँ। तो गाइस ये हो चुका है, अब मुझे ऊपर का वो क्लियर करके उसमें पानी डालना है और लावा भी नीचे डालना है। तो पहले मैं लावा डाल देता हूँ। तो लावा बकेट कहाँ गई मेरी, ये रही। तो गाइस मुझे इसमें लावा बकेट डालना है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, और मैंने गलत जगह डाल दिया। गाइस हमें इसके साइन के ऊपर डालना है लावा बकेट, एक लावा बकेट में पूरा हो जाएगा गाइस, ये पूरा फैल जाएगा चारों तरफ। और अब गाइस मुझे यहाँ पे वाटर डालना है, तो मैं वाटर डाल देता हूँ पहले यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे एक वाटर डालना है। तो गाइस वाटर डालने के लिए सबसे पहले हमें एक अनलिमिटेड सोर्स बना लेना है। अनलिमिटेड सोर्स गाइस हम कैसे बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे एक ब्लॉक रखना है कुछ ऐसे। तो गाइस ये हो जाएगा, हमें इसमें दो में बस वाटर डाल देना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो गाइस मैं यहाँ से जितना भी पानी ले लूँ अनलिमिटेड रहेगा, देखिए नहीं तो। तो गाइस हमें ऐसे ही करना है यहाँ पे, और कोने से गाइस पानी नहीं उठाना है, क्योंकि कोने से पानी उठा लेंगे तो अनलिमिटेड सोर्स ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। तो ऐसे ही हमें गाइस चारों तरफ पानी डाल देना है इसमें, और हमें गाइस यहाँ पे सिर्फ ये वाला ब्लॉक छोड़ के इस ब्लॉक से पानी डालना है कि अनलिमिटेड सोर्स ना बने। और अनलिमिटेड सोर्स बन गया तो गाइस यहाँ पे गोलम बह के उसमें नहीं जाएंगे, वो ऊपर ही अटक जाएंगे। हाँ तो गाइस पानी डालने के बाद हमें इसको पूरे जो इसका टेम्परेरी ब्लॉक थे उसको हटा देने हैं, तो ये आयरन गोलम जो है गाइस वो नीचे नहीं जा पाएंगे। हाँ तो गाइस ये आयरन गोलम ऊपर ना वॉल पे स्पॉन हो जाए, तो गाइस इसके लिए हमें यहाँ पे लीफ लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लीफ लगा देता हूँ, कोई भी गाइस आप लीफ लगा सकते हो। लीफ काटने के लिए गाइस शेर की ज़रूरत पड़ती है, शेर के बिना लीफ नहीं कटती। तो हमें इसके ऊपर पूरा ऐसा लीफ लगा देनी है। A few inches later. तो गाइज अभी आप देखना कि मैं नीचे जाके चेस्ट में दिखाऊंगा आपको कितने सारे आयन हो चुके होंगे मेरे पास अभी। तो अभी गाइज कुछ ही देर हुई है और 12 आयन मिल चुके हैं, और यहाँ पे गाइज ये फ्लावर भी मिलेगा हमें रेड कलर का। तो गाइज देखिए अभी की अभी एक और आयन गोलम आ गया यहाँ पे, देखते हैं हम गाइस ये कितने देता है। हम यहाँ पे कुछ देर इंतजार करते हैं फिर देखते हैं। One eternity later. तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने गाइस यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट उसको एफके किया हूँ, तो गाइस यहाँ पे 64 हो चुके हैं या 24 हो चुके हैं, मतलब एक स्टेक से ज़्यादा मिल चुके हैं हमें सिर्फ 10 मिनट में ही। तो गाइस आप सोच सकते हैं कि एक घंटे में कितने सारे आयन दे देगा हमें यहाँ से। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और गाइस मैं ऐसी ट्यूटोरियल वीडियोस और लाते रहूँगा अलग अलग फॉर्मों की। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।